देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज हमारे मुल्क की ये हालत हो गई है कि हमारे मुल्क के तलबा, बिलखसूस स्कूल्स और कॉलेज के बच्चे, मजहबी इख्तलाफात के बिना पर आपस में मुखालिफत कर रहे हैं। मेरी बिलखसूस उनसे ये अपील है कि आप किसी भी सियासी दबाव में ना आए, बल्कि अपने पढ़ाई पर गौर फिक्र करें, क्योंकि एग्जाम सर पर है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। दूसरी बात रही हिजाब की, हिजाब कोई पहनावा नहीं है, कोई लिबास नहीं है कि किसी के कहने पर हमने पहन लिया या किसी के कहने पर हमने उसे उतार दिया, बल्कि ये खुदा का हुक्म है कि जिसे हमें बजा लाना है, और हमें अपने आईन पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर पूरा भरोसा है, हमारी जस्टिस पर पूरा भरोसा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब को बाकायदगी के साथ उस पर अमल करें, उसके कवानीन पर अमल करें। तो इसीलिए इंशाल्लाह पूरी हमें उम्मीद है जस्टिस की, न्याय की। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ये इस बात की इजाजत दी जाएगी कि हम बाहिजाब होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। और रही बात, मैं ये कहना चाहूंगी बिलखसूस हुकूमत से कि आप जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, आज हमारे मुल्क की बेटियां कॉलेज के दरवाजे पर खड़ के ये नारा लगा रही हैं, गिरगिरा रही हैं, फरियाद कर रही हैं कि उन्हें कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत दी जाए। आप सारे इख्तलाफात को भूल जाएं और सबसे पहले तो हमारी देश की बेटियों को पढ़ने के लिए पूरी तरह उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें बढ़ावा दें, और इस सियासी मसाइल से इन नौजवानों को, इन बच्चों को दूर रखें।